एक तेज की खास खबर, जयपुर दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसा, 3 की मौत, कई घायल, मौके पर मची चीख पुकार। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 पर तीर्थ यात्रियों की बस ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा शुक्रवार सुबह 5:30 बजे के करीब हुआ। जानकारी के अनुसार हाईवे पर यह हादसा कांगड़ोबा के पास हुआ। हरिद्वार से तीर्थकर लौट रहे श्रद्धालु से भरी बस जब ट्रैक्टर ट्राली से टकराई, तब घटना स्थल पर कोहराम मच गया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें बस में सवार यात्री बुरी तरह से फंस गए। बस में फंसे यात्रियों को क्रेन की सहायता से जैसे तैसे बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस व जुड़ी भीड़ ने यात्रियों को मशक्कत के बाद निकाला। मृतकों के शव को मोर्चरी भिजवाया गया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को करे की मदद से किनारे करके जाम खुलवाया गया। बस में सवार यात्री जयपुर के माछवा ग्राम पंचायत क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। जानकारी में सामने आया है कि ग्राम पंचायत सरपंच रामफल चौधरी गांव से 10 बसें किराए पर लेकर ग्रामीणों को तीर्थ कराने हरिद्वार ले गया था। लौटते समय सुबह 5:30 बजे दिल्ली जयपुर हाईवे पर यह हादसा हो गया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए खास खबर। MNS दिल्ली की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तक के लिए धन्यवाद।